माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमसे पैसे या अच्छे कपड़ों की तलब नहीं रखते, वो तो बस हमारे 24 घंटों में से एक आध घंटा मांगते हैं जिसमें वो हमारे साथ खुशी के कुछ पल बिता सके। अपने आने वाले दिनों में मेरी ये बात अपने जहन में उतार लेना, वरना माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या होगा कि वो औलाद होते हुए भी खुद को बे औलाद समझे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी एक आहट से मेरी नींद खुल गई। सामने देखा तो मौत का फरिश्ता खड़ा था। उसे देख के मैं डर गया। मैंने पूछा, यहाँ कैसे? उसने कहा कि तेरी माँ को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, क्यों ना एक सौदा कर लेते हैं, तुम मेरी जान ले लो और मेरी माँ की जान को बख्श दो। फरिश्ते ने कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, मगर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखना। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, हजारों से मांगो तब जाके कोई एक करता है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा कि क्या तुम मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकते हो? लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तो छोड़ सकता हूँ, मगर उसे कैसे छोड़ूं जो हर रोज दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि बेटा जल्दी घर वापस आना, आज एक लाइक माँ के लिए हो जाए। ये भाई इंडियन आर्मी से हैं और इनका कहना है कि भाई इंडियन आर्मी के लिए कुछ लाइनें हो जाए। जी ज़रूर सुनिए। कि हर वो रात बड़ी भारी होती है जब बॉर्डर पे बमबारी होती है, अजी हर वो रात बड़ी भारी होती है जब बॉर्डर पे बमबारी होती है, माँ का आंचल दाव पे लगता है, सच में बेटों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जय हिंद जय भारत। किस्सों में ढूंढा गया मुझे और मैं तो कहानी में था, और आप तो किनारे से ही पलट गए, मैं तो पानी में था। जब दुश्मन पत्थर मारे तो उसका जवाब फूल से दो, मगर हाँ वो फूल उसकी कब्र पे होना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, ताला खुलते ही पता चलता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों की डाली को हिलाना पड़ता है, और बार बार अंधेरे को कोसने से क्या होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। हर एक लफ्ज सोच समझ कर बोलो, क्या पता कौन सा किसे खल जाए, और हर किसी के आगे अपना राज मत खोलो, क्या पता कौन कब बदल जाए। जो लोग गुस्सा करते हैं वही सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। मेरे बिना जिंदगी गुजार लोगे तुम, अरे मेरे बिना जिंदगी गुजार लोगे तुम, इश्क हूँ मैं इश्क, कोई बुखार नहीं जो दवा से उतार लोगे तुम। जिंदगी कुल्फी की तरह है दोस्तों, टेस्ट करो या वेस्ट करो, करना ही है तो टेस्ट करो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। भाई जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा हो तो गर्व से कहना कि वो मेरा भाई है, और भाई जब मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका भाई हूँ। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए क्या खूब लिखा है कि बड़े अनमोल होते हैं ये खून के रिश्ते, भाई मेरे तू इन्हें बेकार ना कर। अरे बड़े अनमोल होते हैं ये खून के रिश्ते, भाई मेरे तू इन्हें बेकार ना कर, और मेरे हिस्से की जमीन भी तू रख ले, मगर घर के आंगन में दीवार ना कर। तू जिंदगी जी, उसे समझने की कोशिश मत कर, चलते वक्त के साथ चल, वक्त को बदलने की कोशिश मत कर, और खुलकर सांसें ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत कर, और कुछ बातें छोड़ दे उस ऊपर वाले पर, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत कर। अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगे तो माफी चाहूंगा, कि कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है, भाव अगर अच्छा मिले तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है, और तवायफ तो रहती है सिर्फ अपने कोठे तक, मगर पुलिस वाला तो सड़क पे भी अपनी वर्दी बेच देता है, और जलाया जाता है उस बेटी को ससुराल में जिस बेटी की खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। ये कलयुग है साहब, यहाँ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है,
बाग में फल फूल कलियां सब माली बेच देता है। एक शख्स ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कार को देख रहा है, उसकी कार को निहार रहा है। उस शख्स को उस बच्चे पे रहम आया और उस शख्स ने उस बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया। तभी बच्चे ने कहा कि ये कार कितनी महंगी है ना। उस शख्स ने कहा कि हाँ, और मेरे बड़े भाई ने ये मुझे तोहफे में दी है। बच्चे ने कहा कि आपके बड़े भाई कितने अच्छे हैं। उस शख्स ने कहा कि हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना। इस बात पर बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसी कार नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं उन्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। सुना है पेड़ से अलग होकर फूल भी सूख जाता है, फिर माँ बाप से अलग होकर हमें चैन कैसे आता है, और जिन कंधों पर बैठकर हमने बचपन में मेला देखा था, आज वही पिता हमारा सहारा चाहता है। दोस्तों, लाइक मत करना मगर देखना जरूर कि नाम और बदनाम में क्या फर्क है। अजी, नाम हमें खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग हमें कमा कर देते हैं। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा हो, जिसमें इंसानियत नहीं होती वो भी मुर्दे होते हैं। और कुछ इस तरह से तरक्की कर रहा है अपना देश कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ते को घुमाने में गर्व महसूस करते हैं। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना।